हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो आज की वीडियो में फिर से हम लोग इसके मिथबस्टर्स को कंफर्म या बस करने जा रहे हैं। हमारा पहला मिथ ये कि जब NPC कार ड्राइव करता है और हम उनके सामने जाते हैं तो वो हॉर्न मारता है, लेकिन हम वही गाड़ी ड्राइव करें तो उसमें हॉर्न का ऑप्शन ही नहीं रहता। तो गाइस, ये बिल्कुल सही बात करी गई है, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ NPC के आगे जाके और देखना वो कैसे हॉर्न बजाता है। यार, एक गाड़ी मेरी तरफ नहीं आ रही। देखो, यहाँ पे ये गाड़ी उस साइड जा रही है, ये गाड़ी उस साइड जा रही है, और यहाँ तो चार चार गाड़ियां उस साइड जा रही है, लेकिन एक गाड़ी इस तरफ नहीं आ रही। इसको रोकते हैं बुगाटी वाले को। ठीक है, रुक जा भाई। ठीक है, उतरो, गाड़ी अटका दी है मैंने, इसके सामने चलते हैं, फिर ये हॉर्न मारेगा। अच्छा, सामने से भी देख आ रही है, रुक जा, इसके सामने खड़े जाते हैं कोनी चेक के। रुक। अरे भाई, कहाँ जा रहा है? ये तो बहुत जल्दी में था। अगर मेरे पास फ्री टाइम होता ना, इसको मारता मैं सबसे पहले। इसको देखना गाइस, ये देखो, बजाया इसने हॉर्न दो बार, है ना, अच्छे से बजाया। अब इसकी ही गाड़ी लेते हैं, इसके अंदर चल के देखते हैं। भाई, कहाँ से तू हॉर्न बजा रहा है? मुझे तो ऑप्शन दिख नहीं रहा यहाँ पे, हॉर्न का ऑप्शन कहीं भी दिख रहा है आपको गाइस? नहीं है। तो ये हॉर्न बजा कैसे रहा है? तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम एयरप्लेन पर बैठकर सबसे ऊपर उड़े तो हमारा कैरेक्टर हवा में ही रहेगा। तो प्लेन में बैठ चुके हम लोग चलते हैं सबसे ऊपर, और बहुत ऊपर, इतना ऊपर कि हम लोग सीधा वॉइड में ही आ जाए। तो काफी ऊपर आ चुका हूँ मैं गाइस, और इतना ऊपर कि नीचे की जमीन अब दिखेगी नहीं। तो अब जैसे ही मैं कंट्रोल छोड़ दूंगा ना, तब भी हमारा प्लेन उड़ते रहेगा हमेशा, क्योंकि वो नीचे गिरेगा ही नहीं, गिर सकते ही नहीं गाइस, इतना ऊपर आ चुके हम लोग। आप कंट्रोल्स में भी देख सकते हो कि मैंने हाथ नहीं लगाया हुआ, तो अब ये नीचे नहीं गिरेगा। मैं इसको कुदा के दिखा रहा हूँ कि ये नीचे गिरता है कि नहीं। वैसे यहाँ पे मुझे लगता है कि ये शायद से वॉइड में अटक सकता है या फिर गिर भी सकता है। यार, दुनिया में देखते हैं क्या होता है। वो मिथ तो हमारा सही निकला है, ये हम एक और चीज़ टेस्ट कर रहे हैं अलग से। अच्छा, वर्ल्ड दिखने लग गया है, वर्ल्ड दिखने लग गया है गाइस। तो ये ऊपर से गिर जाता है वर्ल्ड में, तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम मून ग्रेविटी को लगा के गेम वापस से चालू करें तो मून ग्रेविटी तब भी वर्क करती है। तो मैंने लगा ली है गाइस मून ग्रेविटी की चीट, जो कि है 7112 की। इसमें आपको चेक कराने के लिए मैं दिखा देता हूँ कि मैं जैसी बाइक को व्हीली मारूंगा, ये हवा में उड़ने लग जाएगी, जो कि सिर्फ मून ग्रेविटी में ही होता है। अब हम लोग गेम को बैक करते हैं और फिर से लगाते हैं कोई सा भी चैलेंज, जैसे कि फन ट्रैक। ये आ गए हम लोग गेम में वापस, और अभी भी हमारी मून ग्रेविटी जो है वो लगी रहती है, ये सही है। अभी मैं आपको चेक करा देता हूँ 400 की चीट कोड से। ये देखो, जैसे मैं मोड़ूंगा ये मुड़ेगा भी नहीं। अगर मून ग्रेविटी नहीं लगी होती ना तो अच्छे से मुड़ता। अभी देखो, नीचे भी जब जा रहा है तो काफी धीरे जा रहा है, इससे पता चलता है कि मून ग्रेविटी चालू ही है। और ये देखो, हवा में उड़ने ही लग गया, जो कि बिना मून ग्रेविटी के हो ही नहीं सकता। एक बार आपको मैं चीट डीएक्टिवेट करके भी दिखा देता हूँ, 7112, और ये लिखा आ गया। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये कि हम लोग इनविजिबल ग्लिच लगा दें स्काईफॉल करने के बाद वाला, बाइक वाला, तो फिर हमें पुलिस मार नहीं सकती। तो ये वाला ग्लिच लगाने के लिए पहले हम लोग को 400 से बाइक बुलानी है, उसको नीचे गिराना है, इन्फिनाइट हेल्थ लगा दी है। अब स्काईफॉल लगाते ही हमें बाइक पे बैठ जाना है, उसके बाद हमारा बंदा नीचे गिरेगा और अब हम लोग चीजों के आर पार जा सकते हैं। चेक करने के लिए मैं आपको एक बाइक मंगा के दिखा देता हूँ, इसके देखो आर पार जा सकते हैं। अब देखते हैं पुलिस हमें मार पाती है कि नहीं। उसके लिए पहले किसी NPC को ढूंढेंगे और इसको मारेंगे पकड़ के। वो आ रहा है पुलिस वाला, सामने से आ जाता हूँ मैं इसके सामने। अरे अच्छा, मैं तो भूल ही गया था, मुझे लगा मैं टकरा जाऊंगा, वो रुक जाएगा, लेकिन मैं भूल गया था कि हम लोग अब चीज़ों के आर पार जा सकते हैं, तो शायद गोली भी हमारे आर पार चले जाए। भाई, बाहर निकल जल्दी से और मुझे गोली मारना चालू कर तू। ठीक है, आ गया है ये बाहर, रेडी है मुझे मारने के लिए। अब देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ तो मैं बताना भूल गया भाई, कि इन्फिनाइट हेल्थ लगेगी तो फिर तो जाएगी भी नहीं हेल्थ, इसको पहले हटाना पड़ेगा हमें। अब देखो क्या होता है, ये देखो हेल्थ जा रही है, तो इसलिए हेल्थ आपकी नहीं जाती होगी, क्योंकि इन्फिनाइट हेल्थ तो लगा रहता है, क्योंकि ग्लिच एक्टिवेट करने के लिए वो हमें लगाना पड़ता है, इसलिए नहीं जा रही होगी, लेकिन जाती है, इसलिए ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये है कि हम लोग डायनासोर और हॉर्स को बुला के 5-5 स्टिकी बॉम्ब दोनों पर लगा के उनको एक्टिवेट करते हुए बैठेंगे उन पे, तो होगा मैजिक। तो हमारा हॉर्स आ चुका है, डायनासोर आ चुका है। हॉर्स पे पहले लगाते हैं 5 स्टिकी बॉम्ब, अब डायनासोर पे लगाते हैं 5 स्टिकी बॉम्ब। ये वाला कहाँ चला गया आर पार? ठीक है, ये हो गए 5। अब दोनों के ऑप्शन में साथ में बैठेंगे, अभी देखना ये आएगा, ये आ गया, और एक्टिवेट को साथ में करेंगे। ये किया और हम लोग बन चुके हैं रॉकेट। ये क्या हुआ यार, खतरनाक ही रॉकेट बन चुके। डायनासोर तो हमसे भी ऊपर गया है, हॉर्स पता नहीं नीचे रह गया, लेकिन यार हम तीनों रॉकेट बन चुके थे, मजा आ गया देख के। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये है कि अगर हम मेगा रैम के लास्ट में जाए और वहां पर हॉर्स स्पॉन करें तो अब वो अपडेट के बाद क्लाइम नहीं करेगा। तो अपडेट के पहले क्या होता था, हम यहाँ पे हॉर्स को स्पॉन करते थे ना ऐसे, तो ये अपने आप ऊपर चढ़ने लग जाता था, लेकिन अब ये नहीं चढ़ रहा है, पता नहीं क्यों, यहीं पे कर रहा था। मैंने तो यार पिछली बार भी, आपने मेरे पिछले मिथबस्टर्स की वीडियो में देखा होगा, अगर एक और बार स्पॉन करके देख लेते हैं।
नहीं, ये अब नहीं चल रहा है अपडेट के बाद, तो ये मिथ कंफर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये कि अगर हम बाइक से किसी बिल्डिंग के अंदर जाने वाला ग्लिच करेंगे तो हम गाड़ी के आर पार जाने लगेंगे और उसके बाद किसी एनपीसी के गाड़ी के अंदर जाके घोस्ट राइडर बाइक को मंगाएंगे तो बाइक गायब हो जाएगी। तो करते हैं पहला। पहले हमें क्या करना है कि बाइक को लगाना है दीवार के पास। जैसे हम कार को लगाते हैं फिर हम उतरते हैं ना, तो दीवार के अंदर चले जाते हैं, लेकिन बाइक से हम लोग नहीं जा पाते हैं। इससे क्या होता है कि ये ऐसे टकराते हैं हम लोग और कुछ ग्लिच हो जाता है, उसके बाद हम लोग बाइक और कार के आर पार जाने लग जाते हैं। तो अब हम लोग किसी भी गाड़ी के आर पार जा सकते हैं, ये देखो इस तरीके से। अब मुझे इसको रुकवाना पड़ेगा। ये रुक क्यों नहीं रहा है भाई, मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। रुक 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 रुक, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें घोस्ट राइडर बाइक को स्पॉन करना है। तो वो गायब कैसे होगी? वो तो फटेगी मुझे लग रहा है, और मैं भी फटूंगा साथ में, इसलिए पहले ना इन्फिनाइट हेल्थ लगा के रख लेते हैं। अब बुलाते हैं घोस्ट राइडर बाइक को। ये फटी और घोस्ट राइडर बाइक अच्छा ऊपर ही तो गई है, गायब तो नहीं हुई। फिर से करके देखते हैं, शायद पिछली बार कुछ गलत कर दिया होगा, इस बार थोड़ा अलग एंगल में स्पॉन करते हैं बाइक को। ये तो बाहर हो गई। एक और बार करके देखते हैं। नहीं गाइस, नहीं हो रही गायब, तो ये मिथ बस्टेड है। हमारा अगला मिथ ये कि अगर हम बिगेस्ट फ्लैशलाइट ग्लिच करें फिर इंडीवर को मंगाएं उसको ब्लैक कलर करें तो एक स्टाइलिश कलर बन जाएगा। यार बहुत लोग पूछते हैं कि बिग लाइट ग्लिच, इन्फिनाइट लाइट ग्लिच कैसे होता है, तो एक और बार बता रहा हूँ आपको। नाइट मोड करना है 9 की चीट कोड से, फिर एक बाइक स्पॉन करनी है जैसे कि ये, और जब आप उतरोगे ना बाइक से तो लाइट का बटन और बाइक का बटन एक साथ दबाना है। इससे क्या होगा, आप उतरोगे और लाइट भी चालू हो जाएगी। फिर आपको ऐसी 5 बाइक्स मंगानी है ZX10R की सेम, ठीक है, 400 वाली सेम 5 मंगानी है और सब पे यही चीज करनी है। जैसे इससे उतरे और देखो ये दूसरी लाइट जल गई। तो ऐसे जब आप 4-5 बाइक से कर दोगे तो ऐसी इन्फिनाइट लाइट हो जाती है। फिर आप डे जैसी करोगे तो वो पूरा इन्फिनाइट लाइट ग्लिच हो जाता है बस। अब हम इंडीवर को मंगाते हैं 2020 की चीट कोड से और इसको करते हैं ब्लैक कलर का। तो ये स्टाइलिश तो लग रहा है, ये क्या हो गया, ये ग्लॉसी लग रहा है गाइस। जो अपनी पॉलिश्ड रहती है ना, जैसे कि कार फॉर सेल गेम में भी रहता है कि पॉलिश कर सकते हैं कार को, तो ये ऑप्शन आ गया है लग रहा है, क्योंकि पूरी पॉलिश लग रही है वो ब्लैक में भी। तो ऐसा एक नया स्टाइलिश कलर लग रहा है, पास से भी बहुत ज़्यादा चमक रही है गाइस, ग्लो मार रही है। तो वो ये मिथ कन्फर्म्ड है। हमारा अगला मिथ ये कि जो आर पार वाली बिल्डिंग है उसे देखेंगे तो वो थोड़ी हवा में होती है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ आर पार वाली बिल्डिंग के पास, जिसके हम लोग आर पार जा सकते हैं बाइक से डायरेक्ट, बिना कुछ किए है ना, पिलर के पास से। तो ये हवा में है क्या, मुझे लग तो रही है वैसे, पास जाके देखते हैं यार। हाँ गाइस हवा में तो है यार, ये देखो हमारी जो टांग है ये इसके नीचे कैसे आ सकती है बिल्डिंग के, मतलब ये हवा में उड़ रही है, ये कैसे हो सकता है यार, ये पहले से क्या ये हवा में कैसे उड़ रही है, हर जगह से हवा में ही लग रहा है गाइस। इसके हम लोग अंदर लेकिन अभी डायरेक्ट जा नहीं पा रहे, लेकिन है तो हवा में। इसके अंदर से भी देखना पड़ेगा हमें, अंदर से दिखती है क्या, अंदर से तो ऐसा कुछ खास समझ आ नहीं रहा है कि हवा में है कि नहीं, है ना। ये भी इसी का पार्ट है क्या, हाँ ये भी शायद इसी का पार्ट है, इसके भी अंदर आ सकते और बाहर आ गए। अच्छा इस साइड से ये हवा में नहीं लग रही मुझे, इस साइड से ये ज़मीन पे, उधर से थोड़ी हवा में उठी हुई है, शायद से ज़मीन टेढ़ी है। तो ये मिथ कन्फर्म्ड है। अगर आपको गाइज ये वीडियो अच्छी लगी और मिथ्स अच्छे लगे तो वीडियो को जाके लाइक कर दो, और मेरे चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाल बटन को दबा दो जाके, ताकि आपको ऐसी वीडियोस दिखती रहे, और कमेंट कर दो अपने अपने मिथ्स ताकि हम उनको ले अगले मिथ बस्टर्स की वीडियो में। और मेरी पिछली वीडियो देखनी हो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D के मिथ बस्टर्स की, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो दबा के।